बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वह राजनीति को लेकर नहीं बल्कि गाड़ी के पॉल्यूशन को लेकर सुर्खियों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज, मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में। दरअसल मुख्यमंत्री जिस गाड़ी से सफर कर रहे थे उस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 2 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था, इसके बावजूद अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जिस सरकारी गाड़ी से चलते हैं उसका चलान कटेगा? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद भी गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही। पूरे मामला का खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री रोहतास जिले में किसी के यहाँ पुण्यतिथि पर गए थे। मुख्यमंत्री के गाड़ी का पॉल्यूशन फाइल होने पर सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस व्यक्ति पर राज्य को चलाने का जिम्मा है, अगर उसी के गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या अन्य लोगों पर इस तरह के मामले को लेकर कार्रवाई कैसे होगी? वही सवाल यह भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो नियम के दायरे में नहीं आते? मुख्यमंत्री के गाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं होने पर आरजेडी नेता ने सरकार को घेरा है। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गाड़ी का चलान नहीं कटना यह बताता है कि राज्य में नियम सिर्फ आम जनता के लिए लागू है। आपको बता दें कि बिहार परिवहन विभाग की तरफ से इस वक्त गाड़ी के पॉल्यूशन को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। जिस भी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं पाया जा रहा है उस गाड़ी का चलान किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी का पॉल्यूशन फाइल बताया गया, क्या इनकी भी गाड़ी का चलान कटना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।